आइए जानते हैं लीडरशिप के गुण के बारे में। लीडरशिप यह एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान में किसी ना किसी रूप में अवश्य मौजूद है, और भला हो भी क्यों ना, आज का दौर है ही लीडरशिप का। फिर चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या फिर राजनीति ही क्यों ना हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लीडर की जरूरत ना हो, क्योंकि एक लीडर ही अपने संस्थान को अपनी काबिलियत से उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी आशा उससे की जाती है। अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाके काम करना या दूसरों से काम करवाना, दोनों ही स्थिति आसान नहीं होती। यह सिर्फ वही कर सकता है जिसमें लीडरशिप का गुण होता है। एक स्मार्ट लीडर वही होता है जो मैं को नहीं, हम को साथ लेकर स्वयं की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते जाता है। लीडरशिप स्किल में बहुत से गुण आते हैं, जैसे ईमानदारी, प्रतिनिधित्व, प्रेरणा, धैर्य, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, लचीलापन, प्रतिक्रिया, रचनात्मकता, जिम्मेदारी। इन सभी गुणों के बारे में आपको कई बड़े बड़े लेख मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको अपने तर्क नहीं बल्कि एक ऐसा सच्चा प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसमें इन गुणों के अलावा भी आपको कई गुण नजर आएंगे। यह प्रसंग है P.J. अब्दुल कलाम साहब का। यह किस्सा 1979 का है, जब कलाम साहब इसरो के डायरेक्टर थे और सतीश धवन जी वहां के चेयरमैन। इसरो की बड़ी टीम के साथ और लंबे समय से एक रॉकेट पर काम हो रहा था। बहुत ही कड़ी मेहनत, लगन और टीम की मदद से आखिर वो दिन भी आया जिस दिन रॉकेट को लॉन्च करना था। रॉकेट में सैटेलाइट को भी फिक्स कर दिया गया, सारी तैयारी हो चुकी थी, बस लॉन्चिंग में 10 मिनट का समय बाकी था। इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा गया, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए यह सब अकेले के बस की बात भी नहीं थी। कलाम साहब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस रॉकेट के लॉन्चिंग की, क्योंकि डायरेक्टर होने के नाते वो एक लीडरशिप का ही काम कर रहे थे। कलाम साहब को कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम को एक बार फिर से क्रॉस चेक करने का विचार आया। आखिर टीम की कड़ी मेहनत के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपये जो लगे थे। प्रोग्राम की जांच के दौरान पहले चरण में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरे चरण में कुछ दिक्कत कंप्यूटर दिखा रहा था। कलाम साहब के पास समय था नहीं, कुछ ही मिनटों में फैसला लेना था। समय की नजाकत को देखते हुए कलाम साहब ने सीनियर वैज्ञानिकों से बात की और कहा कि रॉकेट की लॉन्चिंग आज रोक दी जाए। वैज्ञानिकों ने कहा, ऐसी समस्या के बारे में हमें पहले से पता है, चिंता की कोई बात नहीं, आप रॉकेट लॉन्चिंग को ग्रीन सिग्नल दीजिए। सतीश धवन जी भी इस सारी वार्तालाप का हिस्सा थे, लेकिन फैसला कलाम साहब को ही लेना था। आखिरकार रॉकेट लॉन्च हुआ। जैसा कि हमने कहा, पहले चरण में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन दूसरे चरण में रॉकेट में प्रॉब्लम आ गई और वो बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। कलाम साहब सोच में पड़ गए, बाहर मीडिया अच्छी खबर के लिए इंतजार कर रही है, अब वो बाहर जाके क्या कहे। अभी कलाम साहब कुछ सोच ही रहे थे कि चेयरमैन धवन जी आए और कहा, आप सब मेरे साथ मीडिया के समक्ष चलिए, जो कुछ भी कहना होगा वो मैं कहूंगा। अपनी बात के अनुसार धवन साहब ने रॉकेट लॉन्चिंग में हुई असफलता के लिए स्वयं की जिम्मेदारी बताई और कहा, अगले साल हमारी टीम एक और रॉकेट लॉन्च करेगी, वो भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली और सफल, क्योंकि हमारी टीम इस काम के लिए पूरी तरह से सक्षम है और मुझे मेरी टीम पर पूर्ण विश्वास है। पास में बैठे कलाम साहब धवन जी को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि एक अच्छी लीडरशिप सब कुछ कितनी आसानी से कठिन समय को भी सहज बना देती है। कलाम साहब ने धवन जी की कही एक एक बात का अच्छे से अनुसरण किया और जैसा कि धवन जी ने मीडिया के सामने अपना विश्वास प्रस्ताव रखा था, ठीक 1 साल बाद सफल रॉकेट लॉन्चिंग हुई। इस सफलता के बाद धवन जी ने मीडिया के समक्ष सारा श्रेय अपनी टीम को दिया। इसमें कोई संदेह नहीं, कलाम साहब भारत को उस बुलंदियों तक ले गए कि आज उन्हें मिसाइल मैन के नाम से सदियों तक संसार में याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस प्रसंग को पढ़कर एक बात तो स्पष्ट होती है, अच्छी लीडरशिप वही होती है जो टीम को श्रेय दे और भूल होने पर स्वयं जवाबदारी ले, क्योंकि अच्छा आउटपुट तभी मिलता है जब टीम आपसे खुश हो। टीम में कुछ वर्कर नए भी होते हैं, कुछ पुराने भी, लेकिन टीम लीडर का काम होता है सभी का संचालन समान रूप से हो। अपनी टीम के साथ डिनर कीजिए, बातचीत का माहौल बनाइए। ऐसे माहौल से कई बार ऐसे आइडिया भी आ जाते हैं जिसकी कल्पना आपने उस व्यक्ति से तो कदापि नहीं की थी। लीडरशिप का गुण आपके अंदर होना चाहिए, आपका लीडर वाला रूप किसी को दिखना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप अपनी टीम से कह रहे हैं, काम जल्दी पूरा करो, नहीं तो बॉस नाराज होगा। इस तरह से लोगों में डर पैदा होता है। ठीक इसके विपरीत अगर आप कहते हैं जल्दी काम पूरा करो, बॉस खुश होगा, तो टीम को अपनी काबिलियत नजर आती है कि हम ऐसा कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में काम ही तो हो रहा है, तो फिर डरा के क्यों? आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया, ये भी लोग भूल जाएंगे।
लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया, ये वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप एक लीडर है तो कभी अपनी टीम से ऐसा वादा मत कीजिए जिसे पूरा करना शायद आपके लिए संभव ना हो। बार बार जब वादे झूठे साबित होते हैं तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब आप टीम की नज़र में ईमानदार नहीं है तो भला टीम आपके प्रति ईमानदारी कैसे दिखाएगी। जैसा कि कहा जाता है, मिलता वही है जो हम देते हैं। इसलिए लीडरशिप के रूप में सर्वदा अपना बेस्ट दीजिए और कभी भी स्वयं की वाह वाह करवाने की कोशिश मत कीजिए। अपनी टीम को भी बोलने का मौका दीजिए। श्रोता बनने से आपको टीम की काबिलियत और नियत दोनों का पता चलेगा। एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में न रहे, मजाकिया अनुभवी टाइप के व्यक्ति बने। यह कभी मत भूलिए, हर लीडर के ऊपर भी एक लीडर होता है। अगर आपकी टीम सिर्फ आपके पोजीशन की रेस्पेक्ट करती है तो आप कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम आपकी और आपके लीडरशिप स्किल की रेस्पेक्ट करती है तो सभी आपके साथ हर स्थिति में आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। आपकी टीम आपके विश्वास की कसौटी पर खरी उतरे, यह भी आपकी ही जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, जिस तरह से अपनों के बिना घर घर नहीं बनता, ठीक उसी तरह टीम के बिना एक अच्छा संस्थान नहीं बनता। टीम के सहयोग के बिना आप किसी भी मुकाम का सफर तय नहीं कर सकते। लीडरशिप पर कुछ ऐसे विचार जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। अगर लोगों का नेतृत्व करना है तो उनके पीछे चलो। हमारे जीवन की बर्बादी की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब हम गंभीर मुद्दों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। एक सच्चे लीडर में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होता है, कठिन निर्णय लेने का साहस होता है और दूसरों की जरूरतों को समझने की काबिलियत होती है। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। तो आज से ही अपनी लीडरशिप स्किल पर ध्यान दीजिए और अमल कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। उम्मीद है DKM कामरापार लीडरशिप के गुण की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप